अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इक्वेशन के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 14 करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे कह रहे थे कि ये क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं हुए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डबल डैश प्लस एल्फा प्लस बीटा कोस 2x इंटू वाई इक्वल टू 0 अराउंड x इज इक्वल टू 0 हमने फाइंड करना है। ये ऑर्डिनरी पॉइंट्स गिवन होते हैं, जब भी आप किसी पॉइंट के अराउंड किसी की पावर सीरीज फाइंड करते हैं ना, तो आपको पावर सीरीज जो है वो समेशन सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन के फॉर्म में लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो एक्स नॉट है ना वो ये जीरो है, इसलिए ये वही सीरीज बन जाती है जो कि हमने 10.9 के अंदर यूज की है। लेट वाई इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर एन, ये पावर सीरीज लेट कर ली। अब चूंकि हमें यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर ले। फर्स्ट किया तो पावर, ये वाली जो ऊपर पावर है ये यहाँ शुरू में आ गई और पावर में से एक माइनस हो गया, और यहाँ पे एन की लिमिट जो है वो मैंने आपसे कहा था जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो 1 से स्टार्ट कर देनी है, सेकेंड लें तो 2 से स्टार्ट कर देनी है। फिर इसी तरह जब इसका सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो एन की लिमिट 2 से स्टार्ट हो गई, ये पावर शुरू में आ गई एन इंटू एन माइनस 1 और पावर में से एक माइनस किया तो एन माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये पुट करने के बाद मैंने आपसे कहा था जब भी किसी इक्वेशन के अंदर कोई ट्रांसडेंटल फंक्शन आएगा, ट्रांसडेंटल फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो उस फंक्शन की आपने सीरीज पुट करनी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कोस 2x, यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, कोस एक्स की अगर आपके पास सीरीज याद हो तो कोस की सीरीज होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए कोस 2x की, तो x को रिप्लेस कर दें 2x के साथ, जहां जहां पे x था वहां वहां पे 2x आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 2x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल बन गया, फिर प्लस 2x की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस 2x की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये वाली आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, इसको स्क्वायर ओपन किया तो 4x स्क्वायर आ गया, वो 2 के फैक्टोरियल के साथ कट गया तो बाकी 2x स्क्वायर बच गया। यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल 24 आ जाएगा और ऊपर 2 की पावर 4 जो है वो 16 आ रहा है, तो 16 ओवर 24 को सिंप्लीफाई किया तो 2/3 आ गया, साथ में x की पावर 4 आ गया। ठीक है, प्लस ऑन, ये वाली सारी वैल्यूज आएंगी। अब ये y डबल डैश और ये cos 2x की जो सीरीज आई है इसको आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, इसमें पुट किया, ये बन गई समेशन n, ये सारी आ गई, मतलब इस सारी इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है ना समेशन वाली, क्योंकि हम इसको क्लोज करेंगे n की पावर्स कुछ और बनेंगी, समेशन की लिमिट सेम करनी पड़ेंगी, मतलब बल्कि इसमें ये होएगा कि यहाँ पे जब इस सीरीज को आप क्लोज करके लिखोगे ना तो ये भी समेशन के फॉर्म में आएगी, और फिर दो समेशन हो जाएंगे उनको डील करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, कंपेयरिंग के लिए इन सारी सीरीज को ओपन कर देना है, इसको भी ओपन कर दे, इस वाली सीरीज को भी ओपन कर दे। ठीक है, फिर हम उसके कुछ टर्म्स को एक्सपेंड कर लेंगे, कुछ टर्म्स को कंपेयर करके कुछ कॉन्स्टेंट की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, मतलब सी नॉट सी वन सी थ्री तक या सी फोर तक हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी सीरीज ओपन की, अब यहाँ पे इसकी एक्स की पावर सेम करने की या समेशन की लिमिट सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब हमने समेशन और एक्स की पावर को वो कंपेयर नहीं करना, बल्कि हमने टर्म्स ओपन करनी है और फिर इनको कंपेयर करना है। तो एन इज इक्वल टू 2 इसमें पुट किया तो 2 इंटू 2 माइनस 1 1 रह गया, 2 सी 2 और एक्स की पावर 2 माइनस 2 0 हो जाएगी, 2 सी 2 आ गया। फिर n इक्वल टू 3 पुट किया तो 6c3x आ गया, n को 4 पुट किया तो 12c4x स्क्वायर आ गया, n प्लस ऑन, ये इसकी कुछ वैल्यूज जो है हमें एक्सपेंड करती है। यहाँ पे इस सीरीज को ओपन किया, ये वाली सीरीज क्या बनती है, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस ऑन, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू दिस सीरीज आ रही है, तो इसको साथ में मल्टीप्लाई किया, एक बार अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी बार ये पूरे का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले इसके साथ अल्फा आ गया, दूसरी बार बीटा और ये पूरी सीरीज, और फिर ये समेशन सी एन एक्स एन की सीरीज आ गई और इक्वल में 0 आ रहा है। अब ये 2c2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई एक्स नहीं आ रहा, ये लिख ली हमने,
यहाँ से अल्फा सी नॉट है, इसके साथ कोई एक्स नहीं आ रहा, ये कॉन्स्टेंट टर्म आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी इसको हम बाद में ओपन कर लेंगे, ये पहले इन दोनों को किया हुआ है। टू सी टू, ये वाली टर्म, ये कॉन्स्टेंट टर्म है एक, और एक ये अल्फा सी नॉट, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इनको अलहदा कर लिया। फिर प्लस एक्स वाली की है सिक्स सी थ्री और अल्फा सी वन, ठीक है, ये आ गया और साथ में एक्स आ गया। फिर एक्स स्क्वायर वाली कॉमन ली, ठीक है, और फिर एक्स क्यूब वाली कॉमन ली, ये यहाँ तक लिख लिया। फिर एक्स फोर वाली ली एंड प्लस सो ऑन कर दिया, यहाँ तक काम हो गया। और ठीक है, यहाँ से ये वाला हमारा काम हो गया, ये पूरा शुरू से लेके यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब बाकी बची ये वाली सीरीज बीटा के आगे वाली, इसको कैसे करेंगे? बीटा इन सारी टर्म्स के साथ आएगा ना अंदर, बीटा आ गया, इसको सी नॉट से मल्टीप्लाई किया तो बीटा सी नॉट आ गया, ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। फिर बीटा, अभी ये वन वाले को ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है, बीटा है ना, ये बीटा सी वन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा सी वन एक्स आ गया, ये टर्म आ गई, ठीक है। फिर अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा सी टू एक्स स्क्वायर आ गया, और एक एक्स स्क्वायर वाली रकम यहां से आएगी। जब ये माइनस टू एक्स स्क्वायर सी नॉट मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया बीटा भी साथ में आएगा तो माइनस टू बीटा सी नॉट, ये वाला आ गया, ठीक है। और फिर बीटा सी टू, ये वाला यहाँ पे आ गया, और कॉमन में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आपको बहुत ज्यादा टर्म्स करने की जरूरत नहीं है, बस एक्स क्यूब या एक्स फोर तक इसको कर लें। फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे ना एक्स एक्स क्यूब का, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी सी थ्री एक्स एक्स क्यूब, ठीक है, उसके साथ बीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया बीटा सी थ्री, ठीक है। और ये ऊपर वाली जो है, ये वाली टर्म जो है, ये नेक्स्ट सी वन वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टू सी वन एक्स क्यूब, और साथ में बीटा ये वाला बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया माइनस टू सी वन बीटा, और एक्स क्यूब को हमने बाहर लिख लिया। सिमिलरली एक्स फोर का आएगा, फोर का किस तरह से आएगा, एक तो टर्म सिंपली ये आ गई टू बाई थ्री एक्स फोर सी नॉट के साथ मल्टीप्लाई होके, और साथ में बीटा आ गया टू बाई थ्री सी नॉट, ठीक है, और साथ में इसके बीटा भी आएगा, बीटा भी आना था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे बीटा भी आएगा साथ में। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सी फोर, इसका ये वाली सीरीज में जो आ रहा है सी फोर बीटा, वो आ गया, और फिर माइनस सी टू बीटा। सी टू कहाँ से आ रहा है, ये वाली जो टू एक्स स्क्वायर है वो जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस टू एक्स स्क्वायर है ना, और सी टू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस सी टू आ गया, और बीटा ये बाहर वाला आ गया, ठीक है। ये बीटा यहाँ पे मिसिंग हो गया, ये आपने इन सबके साथ फिर लगा लेना है, ठीक है, माइनस टू बाई थ्री सी नॉट, ये लगा लेना, तो ये इन सबके साथ आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब नेक्स्ट हमने इसकी कंपेयरिंग करनी है, हमने कुछ टर्म्स को एक्सपेंड कर लिया सीरीज के, कुछ टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और इनको हम कंपेयर कर लेंगे, ऐसा नहीं है आपने इसके एंड टर्म्स को ही मल्टीप्लाई करके लिखना। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर्स के हमने कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, सबसे पहले एक्स पावर जीरो के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म्स की। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक ये वाली अल्फा सी नॉट प्लस टू सी टू, एक ये आ गई, राइट, ठीक है। उसके बाद पूरे एक्सप्रेशन में देखें एक और ये वाली टर्म आ रही है जो कि कॉन्स्टेंट टर्म है, बीटा सी नॉट, ठीक है, ये वाली आ गई, और इक्वल में जीरो आ गया। तो यहां से सी टू की वैल्यू निकाल लें, यहां पे देखें इसमें और इस वाली टर्म में सी नॉट कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा इंटू सी नॉट हो गया, फिर प्लस टू सी टू इज इक्वल टू जीरो। यहां से सी टू की वैल्यू लगाई, ये निकाल ली, ये पूरा जो है दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो गया, और ये जो टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स वन का कोफिशियंट को कंपेयर किया, एक्स वन के यहाँ पे देखें एक्स की पावर वन के ये एक कोफिशियंट आ रहा है अल्फा सी वन प्लस सिक्स सी क्यूब, ठीक है, और एक आ रहा है बीटा सी वन। तो यहाँ से ये आ गया, इन दोनों में सी वन के साथ अल्फा प्लस बीटा आ गया इंटू सी वन, और ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, और जो सी थ्री के साथ सिक्स है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कंपेयर करने से हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ रही है, इसको कंपेयर किया तो यहाँ पे सी टू एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, दोनों में सी टू कॉमन है, तो बाकी साथ में अल्फा प्लस बीटा सी टू आ गया,
ठीक है, और फिर माइनस टू बीटा सी नॉट ये आ गया, और फिर 12C4 ये आ गया। ठीक है, C2 की वैल्यू क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है, ये लगा दें, ये वैल्यू हमने लगाई माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 सी नॉट आ गया, प्लस 12C4 माइनस 2 बीटा सी नॉट आ गया। अब इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में सी नॉट मैंने कॉमन ले लिया है और बाकी को सॉल्व कर लिया, ठीक है, कि मतलब अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ऐसे लिख दिया। सॉरी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर लेनी है, मैं आपको इसका सही वाला सॉल्यूशन भी सेंड कर दूंगी। बेसिकली जब यहाँ पे हम सी नॉट को कॉमन लेते हैं ना, इन दोनों में से सी नॉट को कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का स्केयर बन जाएगा, मतलब ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का स्केयर आ गया, ठीक है, ओवर टू, और माइनस यही वाला साथ में यहाँ पे आ जाएगा, और फिर माइनस टू बीटा सी नॉट यहाँ पे प्लस करके माइनस टू बीटा सी नॉट लगा दें, और ये वाली सारी वैल्यूज नहीं आएंगी। ये थोड़ी सी इसमें गलती हुई है, तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये माइनस इसके बाहर है, ये सारी हम जो है उस साइड पे जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, वहां पे फिर हमने C4 की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे भी इसको करेक्शन कर लेनी है, बट यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, यहाँ पे C2 की वैल्यू पुट कर दी हमने, माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 सी नॉट, ये माइनस बाहर लिखा हुआ है क्योंकि कॉमन में था, यहाँ पे देखिए ये बाय माइनस कॉमन में है, ये यहाँ लिख दिया कि प्लस 12C4 माइनस 2 बीटा सी नॉट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2, ठीक है, और माइनस 2 बीटा सी नॉट, और यहाँ से C4 की वैल्यू निकाल लेनी है। इसे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय 2 आ गया, फिर इस वजह से C4 की वैल्यू निकाल ली। ये दोनों टर्म यहाँ पे माइनस में है, दूसरी तरफ जाकर प्लस में हो गई, 12C4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स क्यूब का कोफिशियंट कंपेयर किया तो अल्फा C3 प्लस 20C5 प्लस C3 बीटा माइनस 2C1 बीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे आपके पास C3 दो जगह पे आ रहा है, C3 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा आ गया, और बाकी टर्म एज इट इज लिख दें। फिर यहाँ पे C3 की वैल्यू लगा दी, वो थी माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 6C1, और ये बाकी सब टर्म्स एज इट इज आ गई। ये अल्फा प्लस बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर अल्फा प्लस बीटा का स्केयर हो गया, ओवर में 6 है, और फिर यहाँ से C5 की वैल्यू निकाल लें। ये दोनों टर्म्स ये वाली इस साइड पे जाके प्लस में हो जाएंगे, और ये 20 साथ में इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, C5 की वैल्यू निकाल लें। उसके बाद y की पावर सीरीज में इसको पुट कर दें, y इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस ऑन, ये y की सीरीज थी जो हमने लेट की थी। यहाँ पे C2 की वैल्यू पुट की, वो माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आ गया C0, फिर C3 की वैल्यू पुट कर दी एंड C4 की, और ये C5 की, एंड सोन प्लस सोन लगा देना। ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 का मैथ इक्वेशन जो है उसका पावर सीरीज सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, y डबल डैश प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 0, अराउंड हमने फाइंड करना x इक्वल टू पाई बाय 2 के, तो एज्यूम कर लीजिए इसकी पावर सीरीज जिस भी पॉइंट के अराउंड कहा गया होगा ना, तो हम सीरीज कैसे सेलेक्ट करते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, तो यहाँ पे एक्स नॉट क्या है पाई बाय 2, ठीक है, वाई ये लेट कर लिया, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें, वो क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 2 to infinity एन इंटू एन माइनस 1 सी एन एक्स माइनस पाई बाय 2 का होल पावर एन माइनस 2, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है। फिर प्लस ये साइन एक्स एज इट इज लिख दिया, और फिर वाई की वैल्यू यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था जब भी किसी इक्वेशन में कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ जाए ना, तो उसकी सीरीज आपने पुट कर देनी है। यहाँ पे क्योंकि साइन एक्स आ रहा है तो इसकी सीरीज हमें पुट करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात को याद रखना है कि यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक्स आ रहा हो फिर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स एंड इस तरह से ये आ रहा है, एक्स की पावर आ रही हो, क्योंकि अब ये जो सीरीज है ये हमारे पास है एक्स माइनस पाई बाय 2 की पावर्स की फॉर्म में, ठीक है ना। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो x माइनस पाई बाय 2 पहले में आएगा, फिर x माइनस पाई बाय 2 का स्केयर, फिर क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो कि सिर्फ x की पावर हो, तो हमने साइन वाली सीरीज को भी x माइनस पाई बाय 2 की ही फॉर्म में एक्सपेंड करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, साइन x है ना, तो x में पाई बाय 2 को ऐड भी कर दें और पाई बाय 2 को माइनस भी कर दें, देन इसकी सीरीज फाइंड आउट की है। सीरीज कैसे फाइंड की है, इस x माइनस पाई बाय 2 को h ले लिया, तो मतलब ये साइन है ना, तो ये साइन किसका फंक्शन है, पाई बाय 2, और ये वाला फंक्शन इसको h अगर हम ले लें तो ये इसको लिख लिया, इन जनरल लिख लिया f पाई बाय 2 प्लस h, और h यहाँ पे x माइनस पाई बाय 2,
तो इस तरह का जो फंक्शन होता है जिसमें अगर हम फॉर एग्जांपल इसको पाई बाय टू को ए लें, तो जिसमें ए प्लस एच हो उसकी उसका टेलर थ्योरम उस पर किस तरह से अप्लाई होता है कि एफ ऑफ ए आ जाता है, ठीक है, एफ ऑफ ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे पाई बाय टू है, तो ये एफ ऑफ पाई बाय टू आ गया, फिर प्लस एच एफ डैश पाई बाय टू, मतलब एफ डैश ऑफ ए होता है ना, तो एफ डैश पाई बाय टू आ गया, फिर प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए, और ए यहाँ पे पाई बाय टू एंड प्लस सोन, ये विल कम एज इट इज आ जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एफ, क्योंकि हमारे पास फंक्शन साइन का था तो हमने साइन लगा दिया, पाई बाय टू ऐसे ही आ गया, और एच की वैल्यू लगा दी एक्स माइनस पाई बाय टू। यहाँ पे भी जहां जहां पे एफ है वहां वहां पे आप लगाएं इसका एफ की जगह पे साइन लगाएं और एच की जगह पे पाई बाय एक्स माइनस पाई बाय टू। जैसे एफ है ना, तो हमने क्योंकि एफ को यहाँ पे साइन वाले के इक्वल लिया था, तो एफ यहाँ पे साइन पाई बाय टू आ गया जो हमारा फंक्शन है, और एच आ गया एक्स माइनस पाई बाय टू, ये एफ डैश है, एफ डैश मतलब साइन का डेरिवेटिव कोस, और कोस पाई बाय टू जीरो होता है, तो ये यहाँ पे जीरो आ गया, फिर प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश। अब एफ एफ साइन है, एफ डैश क्या आएगा, कोस आ गया, मतलब एफ जो है वो फंक्शन एफ जो है वो हमारे पास फंक्शन जो है एफ इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो एफ डैश क्या आएगा, वो इक्वल टू कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एफ डबल डैश क्या आएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक है। और साइन पाई बाय टू क्या होता है, साइन पाई बाय टू जो होता है वो वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये थर्ड, यहाँ पे एच स्केयर बाय टू फैक्टोरियल, एच स्केयर क्या है, एक्स माइनस पाई बाय टू का स्केयर आ गया ओवर टू फैक्टोरियल, और ये एफ डबल डैश हमारे पास आ गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो पाई बाय टू के ऊपर साइन की वैल्यू होती है वन होती है, और ये वाला माइनस इधर एज इट इज आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो थर्ड टर्म को एक्सपेंड किया फिर फोर्थ को, तो ये साइन की टेलर सीरीज आ गई। इसको अब हमने ऊपर इक्वेशन में पुट कर देना है, ये पहले सेकेंड डेरिवेटिव था, ये वाई की वैल्यू और ये साइन वाली सीरीज आ गई, ठीक है। अब इन सीरीज को एक्सपेंड कर दे, पहले उसने ये सेकंड वाली सीरीज को एक्सपेंड किया है, उसको साइन वाली से मल्टीप्लाई कराया, फिर बाद में पहले वाली ओपन की है। ये पहले वाली को जब आप इसको n = 0 पुट करेंगे तो ये c नॉट और इसकी पावर 0 आनी है, तो सिर्फ c नॉट रह गया, ठीक है। फिर जब इसमें c1 पुट करेंगे तो c1 x - π/2 की पावर 1, फिर c2 x - π/2 की पावर स्क्वायर n + 1, ये वैल्यूज आ गई और इसके साथ में ये वाली आ रही है, ठीक है, और इक्वल टू किसके है, 0 के। अब ये वाली टर्म्स अगर आप एक्सपेंड करें, n = 2 पुट करेंगे तो ये 2c0 आ जाएगा, n = 3 पुट करेंगे तो 6c3 और पावर में 3 माइनस 2 एक्स माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा सिर्फ। फिर c n को 4 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12c4 एक्स माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 20c5 एक्स माइनस पाई बाय 2 का क्यूब प्लस ऑन। और यहाँ पे क्या किया है, इनको मल्टीप्लाई किया है, पहले ये सारी सीरीज जो है वन के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये स्केयर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर फोर वाली के साथ, तो सी नॉट वन से मल्टीप्लाई होकर सी नॉट ये आ गया, सी वन इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सी वन आ गया और साथ में एक्स माइनस पाई बाय टू आ गया, ठीक है। ये दो टर्म्स तो एज इट इज ये वाली आ गई, ठीक है। अब देखें आगे, ये सी नॉट जो है जब इस एक्स स्केयर वाली से मल्टीप्लाई होगा तो सी नॉट एक्स माइनस पाई बाय टू का स्केयर बाय टू ये वाली वैल्यू आनी है, और एक ये सी टू ये जो एक्स स्केयर है ना ये वन के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा, तो मतलब सी नॉट और सी टू ये कॉमन ये आ जाएंगे और कॉमन में आ जाएगा पाई एक्स माइनस पाई बाय टू का होल स्केयर। इसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करके क्यूब वाली में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेना है, और फिर आपने इसके करना है कंपेयरिंग करनी है, मतलब यहाँ पे ये सिंपल कुछ भी और काम नहीं किया है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो कॉमन लिया है एक्स माइनस पाई बाय टू का स्केयर जिनमें कॉमन था ना, इनको कॉमन लिया है। कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करें, एक्स माइनस पाई बाय टू की पावर जो है उनको कंपेयर करना है, सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म आएगी तो वो टू सी टू प्लस सी नॉट प्लस हाँ प्लस सी नॉट यहाँ तक आ गया, यहाँ से सी टू की वैल्यू माइनस वन बाई टू सी नॉट आ गई, फिर एक्स माइनस पाई बाय टू को कंपेयर किया तो सिक्स सी थ्री प्लस सी वन ये आ गया, यहाँ से C3 की वैल्यू माइनस वन बाई सिक्स सी वन आ गया। फिर स्केयर वाली को कंपेयर किया
तो 12C4 प्लस C2 माइनस C0 ओवर 2 आ गया इक्वल टू 0, या आप C2 की वैल्यू लगा दें -1/2 C0, ठीक है, ये आ गया वो -1/2 C0 और -C0/2, ये 1 बन गया, -C0 बन गया ना, तो ये दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो गया और ये 12 दूसरी साइड पे जाकर इसके डिवाइड हो गया। इसी तरह से एक्स क्यूब वाले को कंपेयर किया तो ये टर्म्स आ C5 की वैल्यू आ गई। उसके बाद जस्ट इसको वाई की पावर सीरीज में पुट किया है। अब देखें पावर सीरीज ये बनी है क्योंकि जब सबसे ऊपर अगर आए आप यहाँ पे सीरीज ली थी ना, तो एन को 0 पुट किया तो C0 सिर्फ आया, फिर 1 पुट किया तो C1 और x माइनस पाई बाय 2 आ गया, फिर C2 x माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर। तो इसी तरह ये वाली सीरीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है, इसको लिखने में गलती नहीं करना, x माइनस पाई बाय 2 फिर -1/2 C0 x माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर एन प्लस 1, ये वाली वैल्यूज आ गई। और इसमें यहाँ पे उन्होंने जो C2 आना था ना, C2 की वैल्यू लगा दी है, यहाँ पे C3 की वैल्यू लगा दी है, यहाँ पे C4 की, और फिर यहाँ पे C5 की वैल्यू लगा दी। और फिर जिन जिन टर्म्स में C0 कॉमन था उनको कॉमन ले लिया, जैसे यहाँ पे है तो ये 1 बच गया, यहाँ से C0 कॉमन आएगा तो -1/2 x - π/2 का स्क्वायर बच गया, और इसमें से 1/12 x - π/2 का 4, और फिर बाकी यहाँ जिनमें C1 कॉमन था उसको C1 को कॉमन ले लिया और बाकी ये सीरीज। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 14 था उसका पावर सीरीज सॉल्यूशन है।